मुंबई से सटे एमएमआर रीजन में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ती जा रहा है और बड़े पैमाने पर रोजाना इन एमएमआर रीजन में रहने वाले जरूरी सेवाओं के कर्मचारी मुंबई आते हैं। इस वक्त हमें सीएसटी स्टेशन पर और यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से एमएमआर रीजन से आने वाले यात्री हो या अन्य यात्री हो, उनकी वजह से किस तरह संक्रमण न फैले, इसीलिए रेलवे स्टेशन पर किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। अभी ये ट्रेन एक आई है वीटी स्टेशन पर और यहाँ पर देखिए एक एक कर यात्री जो है वो यहाँ से निकल रहा है। अब इसके आगे क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो है सुरक्षित अंतर के साथ ही यात्री जो है वो इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते, हर तरफ जो है यहाँ पर देखिए पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं, आरपीएफ के कर्मचारी यहाँ पर जो टिकट चेकर्स है वो है। अब जो यात्री यहाँ से आगे बढ़ेंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सुरक्षित अंतर जो है वो रखना होगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। यहाँ पर टीम्स, पुलिस की टीम हो या फिर टिकट चेकर्स हो, वो पीपी किट हुए या फिर फेस शील्ड हो वो पहने हुए, और यहाँ पर तमाम लोगों को कह रहे हैं कि वो सुरक्षित अंतर का पालन करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर नीचे आप इन गोलों को देख सकते हैं, ये गोले बनाए गए कि इसी गोले के जरिए जो है आगे बढ़ना है। साथ ही में डिवीजन किया हुआ है, दो रो बनाकर जो है उसमें बाहर निकलना है, कोई भी कैसे भी बाहर नहीं निकल सकता। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से इस सुरक्षित अंतर को बरकरार रखते हुए ये लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, सभी ने मास्क पहने हुए हैं। यहाँ पर आपको टीम दिखाना चाहूँगा टीटी की, जो लगा यात्रियों को बता रहे कि किस तरह से उन्हें बाहर निकलना है सुरक्षित अंतर के साथ ही में। अन्य जो यात्री आ रहे हैं उन्हें भी जो निर्देश जो है वो लगातार यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है आरपीएफ की जो महिला कांस्टेबल है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और निर्देश किस तरह से दिए जा रहे हैं उन्हें, उसे भी आप सुनिए। आपको बता दूं देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है सर्कल्स बनाए गए, ये सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा अहम है और इससे जरिए उन्हें निर्देश दिया जाता है किस तरह से आगे बढ़ना है, और यहाँ से एक एक कर जो है तमाम लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, कहीं पर भी इस सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो इसका खास ख्याल रखा जाता है। लगातार निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से, रेल प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। देखिए किस तरह से कतार में लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मध्य रेलवे ने कई स्टेप्स उठाए हैं। इसमें जो है हमने बिल्कुल नई इनोवेटिव आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस की है। इसमें हमने आत्मा प्रणाली, जो ऑटोमेटेड टिकेटिंग मैनेजिंग एक्सेस प्रणाली जो है वो नागपुर डिवीजन में हमने इंट्रोड्यूस की है। इसमें कहीं पे भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। मशीन के द्वारा जो पैसेंजर स्टेशन पर आते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनका टिकट चेक किया जाता है, और ऐसी पहल हमने पुणे डिवीजन पर अर्जुन रोबोट लॉन्च करके की है। मुंबई डिवीजन पर हमने इंफ्रारेड कैमराज लगाए हैं जिसके जरिए जो पैसेंजर स्टेशन पर आते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर चेक होता है, और अगर उनका बॉडी टेम्परेचर एक सेट टेम्परेचर के अबव है तो उसमें अलार्म सिस्टम में आ जाता है और वो पैसेंजर को जो है हम ट्रैवल करने के लिए परमिट नहीं करते हैं। इसके अलावा अनेक स्टेशनों पर हमने फ्लोर पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मार्किंग्स किए। इसमें कई जगह हमने सर्कल्स बनाए हैं, स्क्वेयर्स बनाए हैं, एरोज़ बनाए हैं, और दोनों के बीच जो है 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रखा है ताकि पैसेंजर जो स्टेशन पर आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा अनाउंसमेंट्स कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह जो है हमने पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कई सारे कदम जो हमने उठाए जिससे यात्रियों को हम ये भी अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए रेलवे प्रशासन आपके साथ है, आप भी हमें इसमें सहयोग दे दें। अब मैं आपको दूसरा एक हिस्सा दिखाना चाहूँगा ट्रेन का, कि किस तरह से ट्रेन के आने के बाद, क्योंकि यात्री सफ़र करते हैं करीब 1-1.5 घंटे का सफ़र होता है, तो ऐसे में वो बैठते हैं, तो ऐसे में उस ट्रेन को भी सैनिटाइज करने को खास तौर पे तवज्जो दी जाती है। यहाँ पर इस तरह से सुरक्षा कर्मी होते हैं जो लगातार यात्री जैसे कोई ट्रेन आती है यहाँ पर साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है। साथ ही में प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेनें खड़ी होती है उसे जो है वो सैनिटाइज किया जाता है, जिस जिस हिस्सों को यात्री जो है स्पर्श कर सकते हैं उन तमाम हिस्सों को जो है सैनिटाइज करने का काम जो है इस तरह से सफाई कर्मचारी जो है वो करते हैं। प्रशासन का कहना है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में रोज़ाना
यात्री जो है वो सफ़र करते हैं, तो जो हैंडल होता है जिससे वो पकड़ते हैं या फिर बैठने वाली चीज़ हो या फिर इस तरह से यह हैंडल हो, इन तमाम जगहों को सही तरीके से सैनिटाइज करने का काम जो है वो किया जाता है। आपको बता दूँ VT स्टेशन पर रोज़ाना करीब 20,000 से 25,000 यात्री जो है वो आते हैं, और इनमें से ज़्यादातर यात्री जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि वो मुंबई से सटा MMR रीजन है वहाँ से आते हैं, तो ऐसे में उन तमाम तरह की सुविधाओं का जो है सुरक्षा जो है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी, इसलिए यहाँ पर इस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। एक और ट्रेन आई है, इस ट्रेन के ज़रिए भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से कोरोना काल में लोकल मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने का जो तरीका है वो किस तरह से बदल गया है। अभी भी देखिए यहाँ पर जो यात्री है उन्होंने फेस शील्ड पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है, साथ ही में जो है इस यहाँ पर सफाई की जा रही है। अब यात्री जैसे ही आगे बढ़ेंगे और इस तरह से सुरक्षित अंतर में एक एक करके जो है वो आगे मूव होंगे। आपको बता दूँ इसके पहले आप कभी भी यहाँ पर VT स्टेशन पर आइए, हमेशा यहाँ पर आपको बहुत भीड़ मिलती थी, पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए आप स्थिति किस तरह से बदल गई। अब जो मोटरमैन है वो देखिए यहाँ पर अपना इनको लोकल ट्रेन लेकर जाने, तो उसके पहले यहाँ पर फिर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, ये जो हिस्सा है उसे यहाँ पर क्लीन किया जा रहा है। जो है मोटरमैन वो उतर गया है, एक एक जो हिस्सा है उसे इस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, तो इस तरह की सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर सामने देखिए किस तरह से सुरक्षित अंतर के साथ ये लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं, कई सबके बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी चेक किए जाते हैं, एक एक कर सबको जाना आगे बढ़ना है, कोई भी लाइन ना तोड़े इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। टीम जो है यहाँ पर TT की वो न सिर्फ इनके टिकट चेक करती है बल्कि इन ट्रेनों में ज़रूरी सेवाओं में काम करने वाले लोग ही सफ़र करें इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। और आपको मैं बता दूँ 12,000 गोले, देखिए जिस जगह मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ पर अगर ट्रेन का वे इंतज़ार भी करना है तो इस तरह सा जो गोला है उसी गोले में खड़ा होना है। पूरे VT स्टेशन पर करीब 12,000 इस तरह के गोले जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही में यहाँ पर दूसरी एक जो ट्रेन आई है देखिए उसे भी अब सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जब तक कोरोना संकट खत्म नहीं होता तब तक हर रोज़ इसी तरह से हर ट्रेन आने के बाद जो है एहतियात बरता जाता है। कोशिश यही है कि संक्रमण जो है वो ना बढ़े, खास तौर पे उन कोरोना प्रभावित इलाकों से जो यात्री मुंबई आ रहे हैं काम के लिए वो अपने साथ अनजाने में कोरोना ना लेकर आए, इसको लेकर रेल प्रशासन द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया TV, मुंबई।